बाबा ने कल हम सभी को बताया फर्स्ट पार्ट में कि संगम युगी अलौकिक जन्मपत्री बाप दादा देख रहे थे। हर एक बच्चे ने दिव्य जन्म लेते ही बाप दादा से व स्वयं से क्या क्या वायदे किए। हमेशा जब भी बाबा मिलन होता है ना, तो बाप दादा मिलन के समय हम सभी बहुत उमंग उत्साह से हाथ उठाते हैं। बाबा कहते हैं ना कि सदा प्रसन्न कौन कौन रहेंगे, सदा खुश कौन कौन रहेंगे, तो सभी हाथ उठाते हैं। तो बाबा कहते हैं ना कि बाप दादा से स्वयं से क्या क्या वादे किए, अब तक कौन से वादे और किस परसेंटेज में निभाए, तो बाबा क्या कर रहे हैं आज इस अंतर को देख रहे थे। कभी तीव्र पुरुषार्थी, कभी पुरुषार्थी, कभी हलचल में, कभी अचल बने। बाबा ने कहा कि सदा शब्द को अंडरलाइन कराया कि सदा हर कर्म में प्रत्यक्ष दिखाई दे कि हम विजयी हैं, विजयी रहेंगे। और पुरुषार्थ स्वरूप बनना का जो प्रत्यक्ष फल है अब कि सफलता स्वरूप बनना है, उस पे विशेष अटेंशन बाबा ने दिलाया। हर कार्य में स्वयं भी सफल रहो बाबा ने कहा, और सर्व आत्माओं को भी सफलता मूर्त का वरदान दो। और बाबा ने कहा कि जिस विशेष अपनी कमी कमजोरी पे अटेंशन दिलाया था, बाबा ने कहा कि भाषा परिवर्तन करो, स्वभाव संस्कार परिवर्तन में कमी कमजोरी, व्यर्थ का खाता समाप्त करो, बीती को बिंदी लगाओ, अब ऐसा समाप्ति समारोह मनाओ। फिर बाबा ने कहा कि अभी पुरुषार्थ स्वरूप के बजाय वरदानी महादानी स्वरूप बन में रहो, और अभी से ही सदा काल के लिए अपने को ताज तिलक तख्तधारी अनुभव करो। इस पर बाबा ने फुल अटेंशन दिलाया। और बाबा ने संगम युग का जो समय है, बाबा ने कहा अभी लाख गुना जमा करने का समय अब थोड़ा सा रह गया है, और अभी का जमा होना अर्थात जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनाना, इसके लिए विशेष बाबा ने दो बातों पे अटेंशन दिलाया था कि विशेष विशेष शब्द पे एक सदा अपने को विशेष आत्मा समझो, और दूसरा हर एक में विशेषताओं को देखो, मतलब हर आत्मा में विशेष आत्मा की भावना रखो, अर्थात विशेष बनाने की शुभ कल्याण की कामना रखो। तो इस तरह बाबा ने अटेंशन दिलाया। तो आज हम अभी कंटिन्यू करते हैं सेकेंड पार्ट। सदा एक बात का अटेंशन रखो, जिस अवगुण व कमजोरी को हर आत्मा छोड़ने का पुरुषार्थ कर रही है, ऐसी दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं कभी धारण नहीं करना। दूसरे द्वारा फेंकी हुई चीज को लेना ये ईश्वरीय रॉयल्टी नहीं। जैसे सामने वाली आत्मा अगर हम वो रिएक्ट कर रही है, थोड़ा चिड़चिड़ेपन से बात कर रही है, तो इसका मतलब उसने अपना चिड़चिड़ापन हमें दिया। तो हम अगर उसी को सोचते रहेंगे ये उसने मुझसे ऐसा क्यों बोला, इसका मतलब कि हमने वो बात धारण कर ली। तो बाबा कह रहे हैं कि हम तो ईश्वरीय रॉयल्टी वाली आत्माएं हैं ना, तो कभी धारण नहीं करेंगे ऐसी बातें। तो उसने जो चीज दी हम थोड़ी ना लेंगे। रॉयल आत्माएं दूसरे की बढ़िया चीज भी फेंकी हुई नहीं लेती, यह तो अवगुण गंदगी है। उसकी तरफ संकल्प में भी धारण करना महापाप है, बाबा ने अंडरलाइन कराया कि उसकी तरफ संकल्प में भी धारण करना महापाप है, ये महापाप है। इसलिए इस बात का अटेंशन रखो, किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद रखो, धारण करो न वर्णन करो।
जैसे कोई अभी अभी 1-2 दिन पहले हम सिस्टर शिवानी की क्लास एक सुन रहे थे, तो उसमें किसी ने प्रश्न पूछा था कि अगर कोई हमें इस तरह बोलता है तो हम क्या करें। तो दीदी ने बहुत अच्छा, एक बाबा ने वो दीदी ने कहा कि कोई भी कुछ देता है, आप मन से हमेशा आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, ऐसे मन से उसको दुआएं देते रहो। तो क्या होगा, जो दुआएं ही हम उसको दुआ देंगे ना, तो हमारे लिए भी यही दुआएं बन जाएंगी। किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद रखो, धारण करो ना वर्णन करो। क्योंकि जब हम ब्राह्मण आत्माएं इतना पुरुषार्थ करते हैं, दिनचर्या भी फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कहाँ हम फिर धीरे धीरे हमें कमी कमी कमजोरी कहाँ रह जाती है कि हम दूसरों की कमी कमजोरियां देख लेते हैं, उसी का चिंतन ऑटोमेटिक ही चलता रहता है, तो उसमें सारा समय भी व्यर्थ चला जाता है और शक्तियां भी व्यर्थ चली जाती हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जब आपके चित्रों की भी भक्त महिमा करते हैं, हर अंग की महिमा करते हैं, कीर्ति गाने का कीर्तन करते हैं, इतना भक्त लोग गायन करते हैं, नयनम मधुरम, हस्तम मधुरम, चरणम मधुरम, है ना, तो आप चैतन्य रूप में 1-2 के गुणगान करो, विशेषताओं का वर्णन करो, 1-2 में सहयोग और स्नेह के पुष्पों की लेन देन करो, हर कार्य में हाँ जी व पहले आपका हाथ बढ़ाओ, सदा हर एक विशेष आत्मा के आगे रूहानी वृत्ति अर्थात स्वयं में मैं आत्मा, सामने वाले भी आत्मा, भाई भाई ही देखना है बाबा कह रहे ना, तो आत्मिक स्मृति में रह के जब सामने वालों को भी आत्मा ही देखेंगे तो रूहानी वृत्ति, रूहानी वाइब्रेशन का धूप जगाओ। जो भी आत्माएं संपर्क में आवें, उन्हों को सदा अपने खजानों से वैरायटी भोग लगाओ। तो हमारे खजाने क्या हैं, बाबा ने विशेष अटेंशन अभी संडे की भी वाणी में बाबा ने अटेंशन दिलाया था कि जो हमारे खजाने हैं, समय का खजाना, संकल्प का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का, बोल का खजाना, तो हम जब हम कब हमारे पास स्टॉक अगर है तो स्टॉक कब होगा, जब हम जमा करते रहेंगे, हमारा व्यर्थ नहीं जाएगा, तभी तो हमारे खजाने भरपूर रहेंगे, तो हम दूसरों को भी तो तभी दे पाएंगे, है ना। तो बाबा कह रहे हैं अपने खजानों से वैरायटी भोग लगाओ, जैसी आत्मा ये हम पहले उस आत्मा को क्या चाहिए, उसको गुणों की कमी है, तो हम अपना जो हमारा संस्कार स्वभाव है उसमें परिवर्तन लाएं, तो हम वो हमारे चाल चलन से, हमारे व्यवहार से उस आत्मा को भरपूरता जब आएगी, तभी बाबा कह रहे हैं कि अपने खजानों से वैरायटी भोग लगाओ, अर्थात खजाना भेंट करो। जब प्रैक्टिकल में अभी से यह रूहानी रसम आरंभ करेंगे, तब ही भक्ति में ये रसम चलती रहेगी। सुना इस वर्ष क्या करना है, आज स्वयं के परिवर्तन की बातें सुनाई, फिर सेवा की सुनावेंगे कि सेवा के क्षेत्र में क्या करना है। अच्छा, याद प्यार हम बाद में बाबा कर लेंगे, अभी बाबा अब पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं। तो बाबा के सामने पार्टियां हैं, तो बाबा बोले, जादू मंत्र की स्मृति से सफलता स्वरूप, जादू मंत्र सदा याद रहता है, जादू का मंत्र कौन सा है, बाबा हम सभी से पूछ रहे हैं कि कौन सा जादू का मंत्र है। बाप की याद ही जादू का मंत्र, जादू के मंत्र द्वारा जो सिद्धि चाहो
तो पा सकते हो। जैसे स्थूल में भी किसी कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र जपते हैं, तो यहां भी अगर किसी कार्य में विधि चाहते हो तो यह महामंत्र ही विधि स्वरूप है। बाबा कह रहे हैं ना, कोई भी कार्य शुरू करो तो मन मना भाव की स्थिति में 1 मिनट हो जाओ, बाबा को याद करो, बाबा आप आ जाओ मेरे साथ, और बाबा को हर चीज शेयर करो, तो ये मन मना भाव क्या ये महामंत्र हो जाएगा। बाबा कह रहे हैं ना कि यही विधि से सिद्धि हो जाएगी, तो ये महामंत्र ही विधि स्वरूप है। ऐसा जादू मंत्र जो सेकंड में जादू मंत्र कर दो, अर्थात परिवर्तन कर दो, तो ऐसा जादू मंत्र सदा याद रहता है कि कभी भूलता है। अब बाबा ने फिर हम सभी से कहा कि सदा शब्द पे अंडरलाइन करा रहे हैं, सदा याद रहता है। हम सभी को, हम सभी भी अपनी चेकिंग भी कर सकते हैं कि सदा स्मृति तो सदा सिद्धि। बाबा कह रहे हैं कि अगर कभी कभी स्मृति रहेगी तो कभी कभी होगी, फिर उसमें कहेंगे हमारे पास शक्ति नहीं आ रही है, क्योंकि हमने बीच बीच में जो बाबा से अलग हुए हैं तो उसमें अपनी शक्तियां बीच बीच में खो दी। तो बाबा कह रहे हैं सदा निरंतर बाबा की याद रहेगी, जब सदा स्मृति में रहेंगे तो सदा सिद्धि प्राप्त होगी। कभी कभी स्मृति होगी तो सफलता नहीं होगी, कभी कभी होगी। तो यह है वर्ष, सदा को अंडरलाइन लगाने का वर्ष है। याद रहना बड़ी बात नहीं, लेकिन सदा याद में रहना यही बड़ी बात है। तो सदा शब्द को बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि सदा याद में रहना है। अब हम सभी हर घंटे में भी चेकिंग कर सकते हैं अपनी अपनी, कि पूरे घंटा हमारा वेस्ट हुआ, उसमें कितनी देर हमने याद की। जो चार्ट रखा, अब जो बाबा ने कहा था ना अपना पोता मेल चेक करो सुबह से शाम तक, रात में अब पोता मेल बाबा को देना है कि सदा याद रहे बाबा की। तो अब सदा की बारी आई है, सदा का ऐड करो तो सदा सफलता मूर्त रहेंगे। फिर बाबा ने और पार्टियों से, बाबा बोले माया के वार से बचने का साधन है विश्व से न्यारा और बाप का प्यारा बनो। हर एक अपने को बाप के प्यारे और विश्व में प्यारे समझते हो? बाबा हम सभी से पूछ रहे हैं, तो हम सभी रियलाइज करें कुछ सेकेंड्स के लिए, क्या मैं स्वयं को ऐसा अनुभव करती हूँ कि मैं निरंतर बाबा की याद में रहे, हर कार्य बाबा की याद में रह के करती हूँ? क्योंकि जब हम बाबा की याद में रह के कार्य करेंगे, निरंतर बाबा को याद करेंगे, तभी तो बाबा के प्यारे बनेंगे। और जब बाप के प्यारे, तो विश्व में भी प्यारे रहेंगे। जो बाप के प्यारे बनते हैं वे विश्व से न्यारे बन जाते हैं। बाबा ने कहा विश्व में प्यारे बनेंगे लेकिन स्वयं ही डिटैच, विश्व से न्यारे रहेंगे, हमारी बुद्धि कहीं नहीं फंसेगी। तो जितना न्यारापन होगा उतना ही प्यारा होगा, अगर न्यारा नहीं तो प्यारा भी नहीं, क्योंकि सिर्फ अपनी बुद्धि मन मनाभाव किसमें, सिर्फ बाबा में, हर संबंध बाबा के साथ अनुभव करना है, तभी तो दूसरों से न्यारे बनेंगे। तो जब बाप के प्यारे तो दूसरों से भी न्यारे। जो बाप के प्यार में लवलीन रहते हैं, खोए हुए होते हैं,
उन्हें माया आकर्षित कर नहीं सकती। निरंतर बाबा की छत्र छाया में रहते हैं तो माया भी दूर से देखती है तो वापस सो जाती है। जैसे वाटर प्रूफ कपड़ा होता है तो एक बूंद भी टिकती नहीं, पानी गिरता है लेकिन चला जाता है ना। तो ऐसे जो लगन में रहते, बाबा की याद में, बाबा की लगन में रहते, लवलीन रहते, वे माया प्रूफ बन जाते हैं। माया का कोई वार वार नहीं कर सकता क्योंकि हम बाबा की याद में हैं। चारों तरफ हमारा ऑरा याद का, बाबा की याद का है, तो माया का कोई भी वार वार नहीं कर सकता। आत्मिक स्मृति में रहेंगे, निरंतर बाबा से लवलीन रहें, तो बाप का प्यार अविनाशी और निस्वार्थ है। बाबा तो सदा हर आत्मा को एक जैसा, कि ये आत्मा अविनाशी सर्व गुणों में भरपूर है। बाबा किसी की कमी कमजोरी को नहीं देता देखता, निस्वार्थ है, सबको एक समान। इसके भी अनुभवी हो और अल्पकाल के प्यार के भी अनुभवी हो, वह प्यार इस प्यार के आगे कुछ भी नहीं है। जो दुनिया चारों तरफ अल्पकाल के प्यार में दुखी हो रही है, स्वयं भी दूसरे भी दुखी, तो ये तो बाप का अविनाशी प्यार हमें मिला है। हम कोटों में कोहू आत्मा है, बाबा ये स्मृति दिलाते हैं हम सबको। बाप और मैं, तीसरा न कोई, ऐसी स्थिति रहती है। तीसरा बीच में आना अर्थात बाप से अलग करना। बाबा कहता है सिर्फ मुझसे ही शेयर करो हर बात। और तीसरा बीच में आएगा तो बाबा स्वयं ही पीछे हट जाएंगे। क्या हम कोई भी बात होती है पहले किसी दूसरे को बताते हैं, उनसे राय पूछते हैं, फिर बाबा के पास आते हैं, तो बाबा भी हाथ पीछे कर लेता है ना। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं तीसरा आता ही नहीं तो अलग हो नहीं सकते। जो सदा बाप की याद में लवलीन रहते वे सिद्धि को पा लेते हैं। तो जो बाबा की याद में लवलीन रहेंगे तो वो सिद्धि को पा लेते हैं। फिर बाबा ने याद प्यार दिया तो सभी ऐसे अनुभव करें कि बाबा मुझे याद प्यार दे रहे हैं। ऐसे सदा संपन्न मूर्तियां रॉयल्टी के निजी संस्कार वाली आत्माओं, सदा तिलक ताज तख्तधारी आत्माओं को, हर कर्म का प्रत्यक्ष फल खाने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी की बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम 1 मिनट सभी साइलेंस में बैठेंगे, फिर अपने अपने पॉइंट्स शेयर करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। जी सिस्टर शेयर करें। गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज बाबा बोले कि मुझे, मैं विशेष आत्मा हूँ ये धारण करके मेरी स्मृति में सदैव रहे कि बाबा ने मुझे कोटों में से कोई, कोई में से भी कोई चुना है, मुझ में कुछ विशेषता देखी है, तो मैं स्मृति रहे कि मैं विशेष आत्मा हूँ। तो जब ये स्मृति रहेगी तो मुझे दूसरों में भी विशेषताएं ही नजर आएंगी, उनके गुण ही नजर आएंगे। अगर कोई अपनी कमजोरी दिखाता भी है, चाहे गुस्सा चाहे इरिटेशन, तो मुझे उसे उस कमजोरी के बारे में चिंतन नहीं करना है, वरना मैं उस कमजोरी को धारण कर लूंगी। वो तो अपनी कमजोरी छोड़ने का प्रयत्न कर रहा है, तो जो वो चीज छोड़ रहा है उसे मुझे नहीं उठाना। फिर बाबा ने बोला कि मैं पूज्य आत्मा हूँ, भक्त मेरा गायन करते हैं, तो चैतन्य रूप में भी मुझे, हमें एक दूसरे के गुणों का गायन ही करना है, खजानों से भरपूर होके दूसरों को भी इन खजानों से भरपूर करना है। और एक जादू का मंत्र कि बाप की याद मन मना भव सदा निरंतर, सदा मतलब बीच अटूट बाप की याद रहे। ओम शांति। शांति, बहुत अच्छा। हाँ, गंगा गंगा सिस्टर, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। बाबा बोले अपने को शरीर से अलग कर लो तो सदा न्यारे और प्रभु के प्यारे बने रहेंगे। ओम शांति। हाँ, बहुत अच्छा। न्यारे, बाबा के प्यारे। नमिता बहन, आप अनम्यूट, आप शेयर कर सकते हैं। नमिता बहन हाँ जी, ओम शांति दीदी। बाबा ने आज सदा सौदा शब्द को अंडरलाइन करने के लिए बोला, माना सौदा शब्द पर सदा अटेंशन रखना है। बाबा ने कहा दो शब्द के ऊपर अटेंशन रखना, माना सदा अपने को विशेष आत्मा समझो और हर एक में विशेषताओं को देखो। तो पहले हम अपने ऊपर अटेंशन रखना है। जब हम अपने अपनी सोच चिंतन में रहेंगे, अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे, तो स्व के ऊपर अटेंशन रहेगी रखेंगे तो खुद हमारा चेकिंग हो जाएगी, हमारा खुद का कमी कमजोरिया और विशेषता दिखाई देगी। जब खुद का कमी कमजोरिया को सुधारने के लिए सदा अटेंशन रहेगी, तब दूसरों की विशेषताएं स्पष्ट दिखाई देगी। तो अपनी चेकिंग के लिए सदा अटेंशन रखेंगे और निरंतर बाबा के याद में रहेंगे, तो अपना अटेंशन सदा स्व के प्रति रहेगी और दूसरों की विशेषताओं प्रति भी रहेगी। क्योंकि बाबा जैसे किसका कमी कमजोरियां देखते नहीं, सारे बच्चों को अपनाते, ऐसे निरंतर बाबा हमारा याद में साथ में रहेंगे तो सदा सब पक्की हो जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, सदा शब्द को हमें हमेशा अंडरलाइन रखना है, विशेष अटेंशन देना है कि हम दिन में सदा बाबा के साथ रहते हैं, है ना। बहुत अच्छा। अभी नीलम बहन, आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, शेयर करिए नीलम बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो हम तो बीच में कर दे, गीता हम बहन, अभी आप इसके बाद करिएगा, ठीक है। अभी नीलम बहन शेयर कर ओके रही है। ओके है, ओके दीदी, ओके। तो जब हमें किसी कार्य में सफलता पानी है तो उसकी विधि और सिद्धि अवश्य हो जाती है। तो इस प्रकार जैसे बाबा ने हमें एक तो वाटरप्रूफ का बताया कि कैसे वाटरप्रूफ बन सकते हैं, यानी कि हम लगन में लवलीन रहते हैं तो हमें माया आकर्षित नहीं कर सकती। तो जैसे बाबा का प्यार है वो यदि हमें अविनाशी है और वो हमें निरंतर प्यार दे रहे हैं, तो हम भी उस विधि को अपनाएंगे तो हमारे में भी जो गुण और शक्तियां हैं हम दूसरों को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जैसे हमें तो बाबा
के खजानों की जो वैरायटी मिली है उसी को ही अपने में परिवर्तन करके दूसरों को अपना एक मूर्ति बनकर बताना है कि हम कैसे बाबा से प्यार लेते हैं, कैसे सिद्धि सफलता स्वरूप बनते हैं, तो हमारी जो मूर्ति की पूजा भी वैसे ही होती है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। अब गीता माता आप शेयर कर सकते हैं। जी ओम शांति दीदी। बाबा बोला जे माया, बाबा बोला जे सबको विशेषता देखो, व्यर्थ को नहीं देखेंगे, और माया से बाजने के लिए माया से बाजने के लिए विश्व को नेरा और बाबा को पेरा बनना है, और बाबा साथ है, बाबा सिमो चलने से सब कार्य सफलता होगा। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। सुमु बहन आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है कि पाप की याद ही जादू का मंत्र है, इस जादू के मंत्र द्वारा सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा है। गौतम भाई आप शेयर करिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। जैसे सिस्टर ने बताया तो बाबा ने आज जादू के मंत्र के बारे में बताया पूरे डिटेल्स में कि जो बाबा की याद होती है वो जादू के मंत्र है। तो इस जादू के मंत्र से जो भी हम सिद्धि चाहते हैं वो पा सकते हैं बाबा की याद से। तो जैसे बाबा ने एग्जाम्पल किया कि शुभ कार्य को करने के लिए हम लोग मंत्र जपते हैं, तो यहाँ भी है कि अभी किसी भी कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं तो ये महामंत्र अपने को यूज करेंगे तो वो सिद्धि प्राप्त हो जाता है। बाबा ने कहा कि ऐसे जादू मंत्र को हर समय यूज करना है तो स्मृति में, सदा स्मृति में रहेगी तो सदा सिद्धि मिलेगी, और कभी कभी स्मृति में रहेगी तो सफलता नहीं मिलेगी तो कभी कभी मिलेगी। उसकी पूरी डिटेल्स बोली। ओम शांति। बहुत अच्छा। कविता सिस्टर आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। आवाज क्लियर है ना? हाँ जी क्लियर है। जी, तो आज बाबा ने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया, क्योंकि अभी की जो संगम युग पे जो भी रस्म चलती है वो प्रैक्टिकल में द्वापर युग से भक्ति में जैसे हम देखते हैं स्थूल रूप में, तो बाबा ने यही बताया कि जैसे हमारे भक्त जैसे हमारी महिमा करते हैं, हर अंग की महिमा, और कीर्ति गाते हैं, कीर्तन करते हैं, तो बाबा कहते हैं कि जब भक्त लोग ही आपकी महिमा कर रहे हैं हर अंग की और कीर्ति करते हैं, तो आप तो चैतन्य रूप में हो ना, तो इसलिए हर एक के गुणगान करो, हर एक की विशेषताओं को देखो, ना कि किसी की कमजोरी का वर्णन करना या उसको देखना, ये मत करो, तो बाबा ने वो बताया। और दूसरी बात, जैसे पूजा में पुष्पों का यूज होता है, तो बाबा ने कहा कि एक दो में सहयोग और स्नेह का लेन देन करो, यही है जैसे भक्ति में पुष्प अर्पित करते हैं, तो बाबा ने कहा कि हर कार्य में हाजी का या पहले आपका हाथ बढ़ाओ। तो तीसरी बात बाबा ने बताई, जैसे धूप लगाते हैं ना पूजा में, तो बाबा ने कहा कि हर एक विशेष आत्मा के आगे रूहानी वृत्ति, रूहानी वाइब्रेशन का धूप लगाओ। और चौथी बात बाबा ने बताया कि जैसे भोग अर्पित करते हैं, वैसे भी आप जो कोई भी आत्माएं हमारे संपर्क संबंध में आती है, तो उन्हें हम सदा अपने खजानों से जैसे वैरायटी भोग दे, माने जो कुछ भी जिस आत्मा को चाहिए, जैसे कि गुणों, हमारे पास क्या खजाने, हमारे पास तो संकल्प के खजाने हैं, गुणों के, शक्तियों के, तो जो भी संबंध संपर्क में आते हैं हमें उनको देना ही है। तो ये बाबा ने बहुत अच्छे से कंपैरिजन करते हुए बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो इस तरह से बाबा ने कहा कि हमें स्वयं का परिवर्तन करना है, ताकि अभी जो हम करेंगे प्रारब्ध में भी वही हमको मिलेगा फ्यूचर में। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। अंजना सिस्टर आप शेयर करें। अंजना बहन आप शेयर कर सकते हैं।
सावित्री सिस्टर आपका भी हैंड रेज है, आप शेयर करें। दी आवाज आ रही है? ओम शांति। हाँ आवाज आ रही है। अंजना बहन आप शेयर करिए फिर। बाबा कहते हैं कि इस बात का टेंशन रखो कि हमें किसी भी कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद करो, वर्णन भी नहीं करना और धारण भी नहीं करना। और बाबा ने कहा हमें विशेष आत्मा जैसे रूहानी वृत्ति, रूहानी वाइब्रेशन का धूप जगाना है। ओम शांति। हाँ ओम शांति। किसी की कमी कमजोरी देखने का नेत्र तो बंद ही रखना है, बाबा इस पे विशेष अटेंशन दिलाते हैं। नहीं धारण भी ना। जी। ओम शांति। ओम शांति। सावित्री बहन ओम शांति। तो बाबा का जो प्यार अविनाशी निस्वार्थ प्यार है, तो बाबा बोलता कि बाप और मैं तीसरा ना कोई, तो ऐसी स्थिति रहती है तीसरा बीच में आना अर्थात बाप से अलग करना, तो तीसरा आता ही नहीं तो अलग हो नहीं सकते। तो बाबा को ये एक सदा जो सदा बाप की याद में लबलीन रहते हैं वो सिद्धि को पा लेते हैं। बाबा को सदा अक्षर एक बहुत अच्छा है और बीच में किसी को बाबा नहीं मानता। तो मैं सदा लबलीन रहने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। तो बाबा ने जैसे कहा ना, जो भी आत्माएं संपर्क में आवे उन्हों को सदा अपने खजानों से वैरायटी भोग लगाओ। तो कोई भाई बहन शेयर कर सकते हैं अपने अनुभव की किस तरह खजानों से वैरायटी भोग लगाते हैं? हाँ हैंड रेज है नमिता सिस्टर, आप शेयर करेंगे? ये साधना बहन हाँ आपका ओम शांति। जी। जैसे बाबा ने कहा कि वैरायटी, जैसे हर विशेष आत्मा को के आगे रूहानी वृत्ति, रूहानी वाइब्रेशन का धूप जगाओ, संपर्क में आवे उन्हें खजानों से वैरायटी भोग लगाओ अर्थात खजाना भेंट करो। तो खजाने जैसे हमारे ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, और ये सारा उनको जितने भी हमारे गुण हैं, ज्ञान है, उनको देना है। जैसे इसलिए भक्ति में भी बाबा ने कहा ना, इसलिए ये भक्ति में ये रसम चलती रहेगी कि जो भी हम लोगों ने अभी दिया है संगम पर, उसी की वो ही ले वहां पर भी भक्ति में भी करते हैं। उनको मनोकामना पूरी होती रहती है, मांगने के लिए आते हैं क्योंकि अभी हमने दिया है उनको। तो यही है खजाने हमारे। ऐसे तो खजाने जैसे संगम पे तो और दूसरे भी है, ज्ञान, गुण, शक्तियां, और समय, श्वास, संकल्प लगा हम देते हैं उनको। हम उनको समय दो, उनका उनकी प्रॉब्लम्स को ठीक करो, कमजोरी को ना देखकर उनकी उनको विशेषताओं का वर्णन करो, उनको और अपने स्नेह का पुष्प की लेन देन करो, जैसे बाबा ने कहा ये उनको देना है। ये है वैरायटी भोग लगाना, जिससे हमारे दुआओं का खाता बढ़ता है, दुआओं का खजाना और पुण्य का खजाना बढ़ता है। उनको पवित्रता का खजाना दो, उनको खुशी का खजाना बांटो। ये सब अभी प्रैक्टिकल में अभी हम रूहानी रसम भेंट करेंगे करेंगे तो ये भक्ति में भी चलती रहेगी। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। हाँ हमें कैसे भोग लगाना है वैरायटी खजानों से, अपनी वृत्ति रूहानी वृत्ति हो कि हाँ, किसी भी आत्मा के लिए हमारे मन में कोई भी निगेटिव बात ना हो, पास्ट की बातें वो भी ना हो। बिल्कुल पास्ट को बाबा तो कहते हैं बीती को बिंदी लगाओ, अब नया शुरू करो। तो नमिता बहन आपका भी हैंड रेज है आप हाँ जी, अनम्यूट करिए आप जी, हाँ बोलिए। जी हाँ बोले। ओम शांति दीदी। आपने जो बोला कि रूहानी वृत्ति मना, किसी भी आत्मा प्रति हम रूहानी वृत्ति रखेंगे तो हमारे जो वाइब्रेशन उस आत्मा का प्रति जाएगी, तो इसमें वही रूहानी वाइब्रेशन का धूप हम देना है, बाबा ने ऐसे समझाया। और जो बाबा ने बोला कि हम वैरायटी भोग लगाना है, तो माना हमारा जो बाबा का जो गुण और शक्तियां है हमारे अंदर, हम जो हम ले सकते हैं बाबा के गुण शक्तियां है भोग, हमारे लिए वो भोग है।
उस गुण और शक्तियां हम दूसरी आत्मा के तक पहुंचाएंगे, तो हम बाबा का भोग को दूसरे आत्मा के भी दे सकते हैं, ऐसे मैंने समझा। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। नीलम बहन आपका भी हैंड रेज। अभी कविता सिस्टर आपका भी हैंड रेज है, आपको भी कहना है। जी दीदी, अभी जैसे एक थॉट आया कि जैसे भोग की बात चल रही है, तो नॉर्मली क्या होता है जब नवरात्रि होती है तो हम भोग में विशेषकर सात्विक भोजन माने सात्विक तरीके से बनाते हैं ना, भोग लगाने के लिए ज्यादा मीठा अर्पित करते हैं, तीखा नहीं होता है, माने तामसिक नहीं होता है। तो इसी तरह सात्विकता हमारी यही है कि हम रूहानियत में रहें, सभी को आत्मिक दृष्टि से देखें, स्वयं को आत्मा समझे, दूसरों को भी आत्मा समझते हुए, ये भी बाबा की संतान है, तो वो जो स्थूल रूप में जो भोग अर्पित होता है ना, मीठा कम तीखा फीका वाला, तो ऐसे ही वो सात्विकता जो स्थूल रूप में दिखाई गई है बनाते हैं, उसी तरह माने ऐसे ही कंपैरिजन मन में आया तो बता दिया। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। बाबा को हम सभी के प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं ना, हम सभी को क्या विशेष आत्माएं हैं, विशेषता ही देखनी है। बाबा ने विशेष शब्द पे भी अंडरलाइन कराया कि विशेष क्या करना है, विशेष स्वयं को भी विशेष देखना है कि मैं विशेष आत्मा हूँ। जो भी संकल्प कर्म करो तो वो भी विशेष ही रहेंगे, और दूसरी को भी हर आत्मा में बाबा ने कहा विशेषता को ही देखो। तो जब विशेषता को देखेंगे तो नेगेटिव अपने आप ही, उसकी पुरानी बातें हैं वो सब हटती जाएंगी। हाँ एंजल, आशा बहन आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। जैसे आपने पूछा था ना, बाबा ने भी कहा था कि जो भी आत्माएं सामने आए तो वैराइटी भोग लगाओ। तो संडे के मूल में बाबा ने कहा था कि हमें कंडीशनिंग बनना है, देते जाना है, प्रैक्टिस बनना है, किसी को शक्ति का सहयोग देना है, शक्ति का वाइब्रेशन गुणों का हम मुख से नहीं दे सकते, लेकिन अपने चेहरे और चरण से हमें देना है, और कोई गुण व शक्ति इमर्श नहीं कर सकते हैं, तो शुभकामना शुभकामना हम दे सकते हैं। इसे बाबा ने कहा था कि हमने शुभकामना हमें करना है कि ये मेरा सिखलादा भाई बहन है, इसे बाबा ने बोला था। और ये भी ये प्रैक्टिस करते हैं कि कोई भी आत्मा सामने आए तो मैं ये संकल्प करती हूँ कि ये बिल्कुल आत्मा है, ये संपूर्ण पवित्र आत्मा है, इसे इसे मैं उनको शुभकामना शुभकामना करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी बहुत अच्छा। भाई जी ने भी शेयर किया है। अभी सभी पोल लॉन्च हुआ है, सभी इसमें अपना अपना पोल करें। मेन स्क्रीन पे है, सभी करें। सारे दिन भर में अशरीरी स्थिति का अनुभव कितने प्रतिशत किया? तो सभी हम सभी प्रैक्टिस करते हैं ना अशरीरी, बाबा की याद में बस अशरीरी हो जाओ 1 मिनट के लिए भी। तो बोल तो दिखाई नहीं दे रहा। बोल नहीं हो? नहीं दीदी, पोल नहीं आया अभी। आया नहीं, दिख नहीं रहा है। नहीं आया दीदी। दीदी पॉइंट शेयर करूं? शेयर करिए। हाँ जी बाबा ने यहाँ पर संगठन का भी महत्व समझाया है। बाबा बोल रहे हैं कि हमें विश्व सेवा में संकल्प वाणी और कर्म। अब आ गया है पोल। बाबा ने कहा है संकल्प वाणी और कर्म दिन रात सच्चे सेवाधारी बने। तो बाबा कहते हैं संगठित रूप में, संगठन में रहेंगे तो बाबा क्या कह रहे हैं, विश्व सेवा में, विश्व सेवा जब करेंगे तो स्वयं की चढ़ती कला स्वतः होती जाएगी। तो ये भी संगठन का महत्व हमें समझा रहे हैं बाबा कि हम कई बार दिल शिकस्त हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ रहे, ऐसा अनुभव होता है। तो बाबा कहते संगठन में करें वाणी और कर्म, ये सेवा करें तो हमारी चढ़ती कला स्वतः होगी। ओम शांति जी।
शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। तो अभी समय भी हो रहा है तो हम होमवर्क यही लेंगे जो संडे की भी वाणी में बाबा ने कहा ना कि अपने खजानों के स्टॉक को चेक करो। तो 5 खजाने बाबा ने बताए थे, समय का, संकल्प का, गुणों का, शक्तियों और बोल। तो हम सारा दिन चेक करें कि क्या हमारे ये खजाने व्यर्थ तो नहीं जा रहे हैं, समय व्यर्थ तो नहीं जा रहा है। एक एक घंटे की चेकिंग रखें कि इस घंटे में 60 मिनट में हमने कितना व्यर्थ हुआ, व्यर्थ बोल निकले। तो ऐसे सारे दिन का हम चेकिंग रखें। और दूसरा कि कोई भी आत्मा सामने आती है, वो चाहे हमारे परिवार की हो, चाहे हमारे कार्य क्षेत्र पर हो, किसी की कमी कमजोरी अवगुण को नहीं देखना है। बस मन से ये आत्मा भी बहुत अच्छी, ये आत्मा भी बहुत अच्छी, ऐसा बोलते मन से, ऐसा उसके प्रति ऐसा सोचते रहना, ये आत्मा भी बहुत अच्छी। तो अपना नेत्र कमी कमजोरी देखने का बंद करना है और उसके प्रति शुभ भावनाएं देनी। तो ऐसा हमें सारा दिन चेक करना है। और फिर धीरे धीरे जब सारे दिन में अगर हम चेकिंग करेंगे तो वो हमारी आदत बन जाएगी धीरे धीरे, हमेशा के लिए, है ना। तो ये होमवर्क था। अभी हम सभी बाबा की याद में। ओम शांति। मैं सुख स्वरूप फरिश्ता हूँ, मैं शिव पिता द्वारा दिए हर गुण का अनुभव करने वाला फरिश्ता हूँ। मुझ आत्मा के श्रेष्ठ संकल्प, बोल तथा कर्म स्वतः ही अन्य आत्माओं को प्यारे शिव बाबा की ओर आकर्षित करते हैं। मैं फरिश्ता शिव बाबा की सहयोगी बन सर्वात्माओं को ज्ञानदान, गुणदान और शक्तियों का दान दे रही हूं। देना ही दुआएं प्राप्त करना है, खुशी का खजाना जमा करना है। बाबा ऐसा बोलते हैं तो हमें अपने सर्व खजानों को चेक करना है। हम दिव्य गुणधारी तथा मास्टर सर्वशक्तिवान फरिश्ता स्वरूप आत्माएं, हम ही शिव पिता परमात्मा को अपने स्वभाव संस्कार, अपने चलन से, अपने बोल से, अपनी रूहानियत की वृत्ति से, रूहानी वाइब्रेशन से अन्य आत्माओं को सुख शांति का वर्षा दे सकते हैं। मैं वरदानी महादानी स्वरूप आत्मा हूं और सारा दिन इसी स्वरूप में रह के कार्य व्यवहार में आऊंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। ओम शांति जी। बाबा ओम शांति दीदी। गुड मॉर्निंग ओम बाबा। शुक्र शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति। थैंक यू।